तो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बेसिकली आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्लास 10th का सिलेबस रिड्यूस हुआ है साइंस का, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में क्या क्या टॉपिक हम लोग को इस बार नहीं पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक निकाल दिया गया है किस किस चैप्टर से, ये सब चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम सब ये देखते हैं। ये यूपी बोर्ड रिड्यूस सिलेबस ऑफ द क्लास 10 साइंस 20, देखिए 2020 और 2021 के लिए सिलेबस है। कोविड-19 के महामारी को देखते हुए जो यूपी बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या किया कि 30% सिलेबस को रिड्यूस किया है। उस 30% सिलेबस में रिड्यूस में पहला जो चैप्टर आ रहा है इसमें मेटल एंड नॉन मेटल। सभी लोगों को पता है कि साइंस का जो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर होता है, ये तो आपका केमिस्ट्री चैप्टर है, तो केमिस्ट्री के चैप्टर में से मेटल एंड नॉन मेटल आपका थर्ड चैप्टर है। इस चैप्टर में से प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल्स, मतलब जो भी आपका मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज थी, उस चीज को इन्होंने क्या किया है, इस सिलेबस से निकाल दिया है। ओके, पहला। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उस आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन और उसकी जो प्रॉपर्टीज होते हैं, उस पॉइंट को, मतलब दो पॉइंट, मतलब दो हेडिंग है इसमें से निकाला गया है। पहला तो मेन हेडिंग आपका आयनिक कंपाउंड, जो कि आपका जो भी आयनिक कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये चीज है। ठीक, ये दो चीजें आपको मेटल एंड नॉन मेटल में से निकाला गया है। ठीक है, और ये देखिए केमिस्ट्री का आपका सेकेंड चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें आपके दो एक्सपेरिमेंट या तो दो आप अटेम्प्ट्स क्या कहते हैं, इनिशियल अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई एलिमेंट, दो लोगों का जो थ्योरी है, जैसे कि डॉबलिनस ट्रिपलेट और न्यूलैंड्स ऑक्टेट थ्योरी, ये दो थ्योरी आप लोगों को सिलेबस में नहीं है, इन दो थ्योरी को निकाल दिया गया है। ठीक है, ये दो चीजें आपको इस बार नहीं पढ़ने हैं। 30% सिलेबस को रिड्यूस किया है, तो 30% में क्या क्या रिड्यूस किया गया है वो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है, ये दो चैप्टर हैं जो मतलब रिड्यूस हुआ है, मतलब इतनी चीज आपको नहीं पढ़ने हैं। आइए, यहां पे थर्ड चैप्टर आपको दिख रहा होगा, बायो का हुआ, ये बायोलॉजी का है। क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें देखिए कुछ ज्यादा टॉपिक निकाला गया, इतने टॉपिक आपको दिख रहा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठा, 6 टॉपिक्स निकाले गए। पहला टॉपिक क्या है, डायरेक्शनल मोशन इन प्लांट्स। जो भी डायरेक्शनल मोशन प्लांट्स का होता है, वो चीज टॉपिक आप सभी लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक आपका निकल गया है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स एंड प्लांट में से। एंड जो सेकेंड टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू प्लांट हार्मोन्स, मतलब जो भी प्लांट्स हार्मोन्स के इंट्रोडक्शन होता है, जो परिचय होता है, उसके बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना। ये जो 6 टॉपिक हैं आपके, 6 टॉपिक आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स में आप सभी लोगों को नहीं पढ़ना है। नर्वस सिस्टम हो गया, नॉन नर्वस सिस्टम हो गया, ये सब चीजें आपको नहीं पढ़ना है। रिफ्लेक्स एक्शन, या तो इसको हम प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ये चीजें हमें नहीं पढ़ना। हार्मोन्स इन द केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स, ये भी, मतलब 6 टॉपिक आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स एंड प्लांट में से, मतलब 6 हेडिंग निकाल दिया गया है, हटा दिया गया है। 30% जब सिलेबस रिड्यूज हुआ है तो ये सब चीजें निकाली गई हैं। ओके, अब आता है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में आता है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी से आपको बायोगैस को निकाल दिया गया, मतलब इस टॉपिक को आपको पढ़ना ही नहीं है। मतलब सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो आपका चैप्टर है, उसमें से बायोगैस को आपको बिल्कुल नहीं छूना है। ठीक, इस टॉपिक को हटा ही दिया गया है। और एनवायरमेंट क्या है कि इकोसिस्टम हो गया, ओजोन लेयर हो गया, ये दो टॉपिक जो है आपको इस चैप्टर से निकाल दिया गया है। तो ये भी दो टॉपिक आप सभी लोगों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लाइट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन इससे भी कुछ टॉपिक रिड्यूज हुआ है, कुछ टॉपिक निकाला गया है। तो आपको पता है दो पॉइंट होते हैं, पहला होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो रिफ्लेक्शन से कोई भी टॉपिक नहीं निकाला गया, ऑल टॉपिक आपको पढ़ना है, लेकिन रिफ्लेक्शन से आपके बहुत 4 टॉपिक निकाले गए हैं। क्या क्या टॉपिक है, लीनियर मैग्निफिकेशन जिसको हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, पावर ऑफ अ लेंस, लेंस की क्षमता, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, और एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, जो भी एप्लीकेशन हम लोग को पढ़ने थे, जैसे कि लाइक दिस एप्लीकेशन की बात करें हम, जैसे वो रेगिस्तान वाला हो गया, ये सब चीज एप्लीकेशन आप सभी लोग को नहीं पढ़ना है। ओके,
अब यहाँ पे देखिए सिक्स चैप्टर जो है पावर इफेक्ट, विद्युत प्रभाव जिसको कहते हैं, जो डेली लाइफ में यूजेज होते हैं वो चीज हमें नहीं पढ़ना। बस इसमें एक ही पॉइंट है, जो डेली लाइफ में दैनिक जीवन में जो चीज यूज होता है, जो चीज उपयोग होता है, वो चीज हमें नहीं पढ़ना है। सेवेंथ चैप्टर आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करेंट, ठीक। इससे हमें क्या नहीं पढ़ना है, प्रॉफिट फ्रॉम द अल्टरनेटिंग करेंट ओवर द डायरेक्ट करेंट एंड हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल करेंट, ठीक। ये दो टॉपिक इस चैप्टर से हमें नहीं पढ़ने। तो टोटल आपको दिख रहा होगा कि सेवन चैप्टर ऐसे हैं आपका, ये देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करेंट, पावर इफेक्ट, लाइट, टेक सोर्सेस ऑफ एनर्जी, आवर एनवायरनमेंट। ये जो चैप्टर, इन जो चैप्टरों से जो जो टॉपिक कटे हुए हैं, जो जो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आने हैं, ये सब चीजें आपको अलग कर देना है। और आपको अब जितने टॉपिक बच जाते हैं उस सारे टॉपिकों को आपको अच्छे से पढ़ना है। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया है और आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि कितना आपका साइंस में 30% रिड्यूस हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट हाई स्कूल के हैं, सभी लोग इस चीज को फॉलो करें और इस कोविड-19 से बचने के लिए अपने घर में रहें, घर से बाहर ना निकले, हर मिनट पे, हर सेकेंड पे अपने हाथों को धोते रहिए और स्टे होम स्टे सेफ। और आपके जितने भी फ्रेंड हैं हाई स्कूल में, टेंथ क्लास में, सबको ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि उनसे भी ये लाभ उठा सके कि कितने टॉपिक हमें नहीं पढ़ने हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो सो नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। लव यू ऑल, स्टे सेफ एंड टेक केयर।